चावल जो है खिला खिला सा तैयार होगा। पानी में उबाल आ रहा है, मैं इसमें चावल डाल रही हूँ। और देखिए, हरा धनिया और पुदीना मैं चावलों के साथ शामिल करूँगी। इस तरीके से करने से हमारा हरा धनिया और पुदीना हरगिज़ भी काला नहीं होगा। जो बहनें चावलों पे दम लगाते वक्त हरा धनिया पुदीना डालती हैं, उनका हरा धनिया काला हो जाता है। अब आप देखिएगा, बिल्कुल भी हरगिज़ भी ये काला नहीं होगा। चावल डालने के बाद आप उसको एक दो दफ़ा अच्छे तरीके से चलाएं ताकि पानी में अच्छे से मिक्स हो जाए चावल। और अगर आप नहीं चलाएंगे तो चावलों में गुठलियाँ पड़ जाएंगी। चावलों को अच्छे तरीके से चला दें और उबाल आने तक इसे पकने दें। पाँच मिनट के लिए मैं इसे कवर कर रही हूँ ताकि चावल थोड़े अच्छे तरीके से पानी को एब्जॉर्ब कर ले। अब पाँच मिनट बाद इसकी कंडीशन देखते हैं। ये देखें कितने अच्छे तरीके से ये जोश आ रहा है चावलों को। और ये देखें, चावल जो है वो पानी अच्छे तरीके से सोख कर चुके हैं। अभी भी आप देखें कितनी ज़बरदस्त सी तहारी लग रही है, चटपटी मज़ेदार सी। ये देखिए, अब मैं आपको बताती हूँ कि हम पानी में नमक का अंदाज़ा कैसे करेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है आप लोग नए सीखने वाली बच्चियाँ हो। तो ये देखें, थोड़ा सा पानी को ठंडा करके चावलों के पानी को हथेली पे रखिए और उसको टेस्ट कीजिए। थोड़ा सा निकलता हुआ, यानी थोड़ा सा हल्का सा तेज़ होना चाहिए पानी में, इसका मतलब है नमक बिल्कुल सही है। और अगर आपको कम लगे तो आप थोड़ा सा नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बढ़ा लीजिए। ये एक बिल्कुल परफेक्ट वे होता है ताकि चावलों में नमक हल्का भी नहीं खाया जाता और तेज़ तो बिल्कुल भी नहीं खाया जाता है। अब हम देखेंगे कि हमें चावलों में दम किस वक्त लगाना है, लो फ्लेम हमें कब करनी है। चावल ये देखें ऊपर आते जा रहे हैं और इसके पानी जो है वो खुश्क होता जा रहा है, लेकिन इसके सरफेस पे अभी पानी मौजूद है। इसका थोड़ा पानी मैं और खुश्क करूँगी, और जब चावल ज़्यादा ऊपर आ जाएंगे और पानी नीचे जाता जाएगा, उस पॉइंट पर हम दम लगाएँगे। अब आप देख सकते हैं चावल आपको बआसानी नज़र आ रहे हैं और पानी जो है वो बहुत थोड़ा थोड़ा सा नीचे से नज़र आ रहा है। इसको एक मिनट बस मैं और पका के थोड़ा सा पानी और खुश्क हो जाए, इस पॉइंट पे मैं चावलों को दम लगाऊंगी। आपने सीखा अच्छे तरीके से किस तरीके से हमें चावलों को दम लगाना है। चावल ऊपर आ जाएंगे और पानी जो है वो नीचे जाता जाएगा, इस पॉइंट पर हम इसको कवर कर देंगे। 15 मिनट के लिए हम अच्छे से ढक देंगे और खूब दम दे लेंगे। ये देखें, आपकी फ्लेम इतनी होनी चाहिए दम के लिए। 15 मिनट हो चुके हैं। अब आप देखिए चावल की पोजीशन, माशाल्लाह सुभानअल्लाह, कितने मज़े के ज़बरदस्त से हमारे आलू के चावल यानी तहारी तैयार हुई है। आप देख सकते हैं एक एक दाना खिला खिला आलू भी अच्छे से गल गए, तमाम मसाले अच्छे से एब्जॉर्ब हो चुके हैं। टमाटर भी देखिए कितना अच्छा सा लुक दे रहे हैं। ये देखें कितने अच्छे से तहारी तैयार हुई है। और मुझे यकीन है जिन बच्चियों ने नई नई तहारी बनाना सीखी है उन्हें ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आइए मैं प्लेटर में निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए, एक एक दाना खिला खिला खूब मज़ेदार से, इतनी अच्छी इसमें से खुशबू आ रही है। और जिन बच्चियों ने आज ये फर्स्ट टाइम वीडियो देखी है, अच्छे से सीखी है, वो यकीनन ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करेंगी और बनाएंगी मज़ेदार सी तहारी, और सब घर वालों से खूब तारीफ़ें भी वसूल करेंगी और इनाम भी पाएंगी। अगर आप सबको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे ज़रूर लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए आप और क्या सीखना चाहती हैं, ज़रूर मुझे बताइएगा। मैं इंशाल्लाह आपकी तमाम फरमाइशें पूरी करूँगी और आप और हम मिलके मज़ेदार से खाने बनाना सीखेंगे। दुआओं में ज़रूर याद रखा कीजिए। फिर किसी दिन किसी अच्छी रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।